हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद वन टू वन ऐसे बात करने का मौका मिले है, वरना मिल ही नहीं पा रहा है। सो आज मैं यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर आई हूँ, कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। बस आज मैं एक छोटा सा मोटिवेशन, आप कह सकते हो कि मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। एक्चुअली इस समय पे मैं एक बुक पढ़ रही थी, आप ऐसा बोलो, ऑलमोस्ट मेरी फिनिश हो गई है, दूसरी भी मैंने स्टार्ट कर दी। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे मुझे मिले हैं, तो आई थॉट कि क्यों ना आपके लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में एक पॉइंट मिला है, बिहाइंड द स्माइल एवरी वन इज गोइंग थ्रू पर्सनल स्ट्रगल वी नो नथिंग अबाउट। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम अनहैप्पी होते हैं और हम दूसरों को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितना खुश है, उसको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें हमेशा गलत सोचते हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आपके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें, हर आदमी कोई ना कोई पर्सनल स्ट्रगल से जा रहा होता है, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम है अप्स एंड डाउन होना। तो लाइफ में जब अप्स एंड डाउन होंगे तभी वो लाइफ बनेगी, अगर हमेशा आपको एक ही सिचुएशन मिलती रहेगी तो वो लाइफ नहीं बनने वाली है। तो ये है, आज एक बुरा समय है वो निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा, फिर वो भी चला जाएगा। बोलते हैं ना, एक घनी अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, तो उसी तरह ये पैटर्न ही है जो चलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ खराब है। सबकी लाइफ सेम होती है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई मैन परफेक्ट नहीं होता, मैन या वुमेन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो उसी तरह कोई लाइफ परफेक्ट नहीं होती कि किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हमें कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। हमेशा जो कर रहे हैं वो करते रहें और उस पर आगे बढ़ते रहें, आपको भी सक्सेस मिलेगा, आपकी भी प्रॉब्लम्स हटेंगी, एक दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में, बस इतना ही।